हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल जिसमें हमें यह समझना है कि C++ लैंग्वेज के क्या फ़ीचर्स हैं क्या बेनिफिट्स हैं किसने इसे बनाया कब बनी क्यों बनाया क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीजिए उसकी एक छोटी सी थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर पढ़िए बिकॉज दिस मेक्स यू टू मच अटैच्ड टू दैट लैंग्वेज आपको पता चलता है कि उसकी एग्जिस्टेंस क्यों है तो आइए बिना किसी लेट काम इसको लेट किए हम लोग देखते हैं C++ के कुछ करेक्टरिस्टिक्स कुछ फीचर्स और C++ के बारे में थोड़े से हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले जो हमारा C का ट्यूटोरियल है उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो C और जो C++ लैंग्वेज है उनके बीच में एक डिफरेंस है और वो मेन डिफरेंस क्या है कि जो C लैंग्वेज है वो बहुत प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है C++ ऑन दी अदर हैंड जो हमारी लैंग्वेज है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो डेटा सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखती है सी के ट्यूटोरियल में हमने ये देखा है कि किस तरह से अगर हम एक नासा का प्रोजेक्ट बनाते हैं नेशनल औरटिक स्पेस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें कोई भी एक वेलोसिटी पैरामीटर या बहुत ही आ, इस तरह का डेटा यूज़ कर रहे हैं जो बहुत सिक्योर है तो C++ के हेल्प से हम उस डेटा को हाइड कर सकते हैं फ्रॉम फेलो प्रोग्रामर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम हैकर अटैक्स हम उसको बचा सकते हैं तो आइए देखते हैं कि हमारे सी के क्या क्या फीचर्स हैं सी प्लस प्लस एक मिडल लेवल लैंग्वेज है मैं रेकमेंड करूंगी कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स के साथ एक नोटबुक लगाएं जिसमें जो हम नोट्स आपको बता रही हूं वो आप लिखते जाइए प्लस जो भी हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं मेक श्योर sure आप वो प्रोग्राम्स भी बनाते जाइए तो सी प्लस प्लस एक मिडल लेवल लैंग्वेज है मिस्टर बरजान स्ट्राउस्ट ने इस लैंग्वेज को बनाया है एंड समवेयर इन द ईयर 1979 इन द बेल लैब्स दिस लैंग्वेज टुक बर्थ ये वहां पर बनाई गई है ये विंडोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग अलग तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सब पे चलती है डिफरेंट वर्जनस ऑफ यूनिक्स पे भी चलती है और ये जो C++ का ट्यूटोरियल है आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच से C++ की जनरी को लेके जाएगा ताकि आप एक बिगनर लेवल से एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाएं बहुत ही कम ड्यूरेशन में मेरे साथ अब ये जो C++ की लैंग्वेज है ये क्यों सीखनी चाहिए ये स्टूडेंट्स भी सीखते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स भी सीखते हैं उसका क्या रीजन है क्योंकि C++ सबसे पहले हार्डवेयर के बहुत क्लोज है तो अगर आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है या आपको एक काम करना है एक डिवाइस पे मेमोरी मैनेजमेंट पे बेटर परफॉर्मेंस के लिए एक रॉबस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाना है तो C++ को आपको सीखना चाहिए C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसका हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था और C++ को वन ऑफ़ द ग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है इट इज़ लव्ड बाई मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सो so, अगर आप एक C++ के ग्रेट प्रोग्रामर हो यू विल नेवर सिट विदाउट द वर्क बिकॉज इसमें बहुत हाईली पेड जॉब्स भी मिलती हैं C++ के सीखने के हज़ारों रीजन्स हैं बहुत सारे रीजन्स हैं एंड जस्ट टू गिव यू अ लिटल एक्साइटमेंट ऑन द सी लैंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज मैं आपको एक छोटा सा उसका कोड लिख के बताऊँगी और हम एक सी प्लस प्लस का आई डी ई पे कोड भी इसी प्लेटफॉर्म में इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे अब कमिंग टू दी एडिटर्स जो आप एडिटर्स यूज़ करते हो वो आप कोई भी एडिटर एक्लिप्स विजुअल स्टूडियो या कोई भी एडिटर जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं आप सी प्लस प्लस का जो कोड है वो लिख सकते हैं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है एडिटर डजेंट मैटर बट एडिटर पे जाने से पहले और हमारा एक बार कोड लिखने से पहले दो स्टेटमेंट्स हम अच्छे से समझ लेते हैं और वो दो स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम और सिंटेक्स जब हम प्रोग्राम बोलते हैं तो प्रोग्राम हमारी कुछ सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है प्रोग्राम इज बेसिकली सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेयर एज सिंटेक्स इज सम सेट ऑफ़ रूल्स मान लीजिए आप अपने लैपटॉप पे कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो एक प्रोग्राम है कुछ सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस आपकी एक लाइन की हो सकती है हज़ारों लाइन की हो सकती हैं मिलियंस ऑफ लाइंस की हो सकती है डजेंट मैटर वो एक प्रोग्राम है इसको आईटी इंडस्ट्री में बड़े कॉमनली सोर्स कोड भी कहा जाता है इसी तरीके से हमारे पास सिंटेक्स है हर एक प्रोग्राम का एक सिंटेक्स होता है कुछ सेट ऑफ़ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ लेट्स से मुझे इंग्लिश सीखनी है एंड आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश एंड यू कमन सी मी और मैं आपके साथ अगर इस तरह की इंग्लिश बोलनी शुरू करूँ जैसे इट इज़ अ गर्ल शी इज़ अ बॉय ही इज़ अ गर्ल आप क्या समझेंगे आपको ये डेफ़िनेटली माइंड में आएगा कि मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं ये चीज़ें समझ जाऊँ कि अगर मेल जेंडर है तो ही है अगर फीमेल जेंडर है तो शी है तो सिमिलरली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ सिंटेक्स फॉलो करने हैं कुछ रूल्स फॉलो करने हैं अगर हम वो रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कभी ठीक नहीं बनेगा C प्लस प्लस के जो कंपाइलर्स हैं जो चेक करते हैं कि आपका प्रोग्राम ठीक है कि नहीं वो बहुत तरह के कंपाइलर्स हैं एक यहाँ पर हम आपको कुछ कंपाइलर्स के नाम लिस्ट कर देते हैं एप्पल C प्लस प्लस का एक्स कोड है जो कंपाइलर है एक ब्लड शेड नाम से एक ब्लड शेड डेव C++ प्लस प्लस नाम से है क्लैंग uh, के नाम से आपका एक कंपाइलर है सी वाई जी डब्ल्यू आई एन जी एन यू के नाम से है ऐसे आई बी एम के सी प्लस प्लस इंटेल के विजुअल सी प्लस प्लस और एक्ल सी प्लस प्लस एच पी प्लस प्लस इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल टू गिव यू द लिस्ट ऑफ़ ऑल दी अवेलेबल कंपाइलर्स कंपाइलर्स क्या हैं जो आपके कोड को चेक करेंगे बट सी का जो वर्ल्ड है वो बहुत ह्यूज है तो हम इसको समराइज़ नहीं कर सकते यहाँ पर तो आइए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं सी का और देखते हैं कि वो सी का प्रोग्राम कैसे रन होता है सी का बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक हेडर फाइल चाहिए एक लाइब्रेरी फाइल चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम C++ में बहुत सारी आपकी हेडर फाइल्स हैं जिसमें आपका इनबिल्ट कोड लिखा होता है जिसके यूज़ से आप अपना और कोड लिखते हैं तो लाइब्रेरी वर्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं फंक्शंस हैं क्लासेस हैं कुछ ऐसा कोड जो बनाने वालों ने उसमें बनाकर रखा है बट अब अगर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है तो आप वो कोड को लेंगे उसके टॉप पे अपना कोड लिखेंगे तो ये हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है ताकि हम सी के इनबिल्ट मेथड्स को यूज़ कर सकें कॉन्टेक्स्ट हमें सेट करना होता है यूजिंग नेम्सपेस एस इसके ऊपर एक पूरा मॉड्यूल है अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में हम इसे ज़रूर देखेंगे दिस इज़ यूज टू सेट द कॉन्टेक्स्ट किसी भी सी प्रोग्राम सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग uh, है वो मेन मेथड से होता है तो आइए मेन मेथड को बनाते हैं इंट मेन से इंट यहाँ पर डेटा टाइप है डू नॉट वरी हमारे जो आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं उसमें हमें डेटा टाइप्स भी बहुत ध्यान से करने हैं समझने हैं बट ये जो मेन है ये एक मेथड का नाम है जहाँ से हम हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू होगा और इस मेन मेथड में मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर ईजी लैंग्वेज तो सी आउट लिखने के बाद हमारा सिंटेक्स क्या है हमारे सेट ऑफ़ रूल्स क्या हैं कि हमें ये ब्रैकेट्स देनी है और इसमें आप जो भी लिखोगे डबल कोड्स के अंदर वो एज़ इट इज़ बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा अब यहाँ पे क्योंकि आप एक मेथड ले रहे हैं इंट तो यहाँ पे आप एक रिटर्न दे सकते हो नंबर ज़ीरो इसका रीज़न हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू सो मैनी थिंग्स अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं मुझे जनरेट करनी मुझे अभी बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सी प्लस प्लस सिखाना है तो आप ये याद रखिए कि अगर आप यहाँ इंट दे रहे हो तो अभी के लिए ये लाइन लिखिए इसका क्या रीज़न है वो हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको आई स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करना है कॉन्टेक्स्ट सेटअप करने के लिए ये आपका दूसरा स्टेप है तीसरा स्टेप बहुत ही सिंपल है आपको एक मेन का मेथड बनाना है फंक्शन बनाना है फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे और इसी ब्रैकेट्स के अंदर आपको अपना कोड जो है वो लिखना है ये जो सी आउट है ये जो भी आप इस ब्रैकेट डबल कोड्स के अंदर लिखेंगे उसको एज इट इज उठाएगा और उसको उठा वो आउटपुट पर प्रिंट कर देगा तो आइए इस प्रोग्राम को बिलकर बनाते हैं जो भी एडिटर आपके पास है फील कंफर्टेबल टू यूज़ दैट एडिटर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जो एडिटर पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी है जहाँ पे मैंने अपने आईओ स्ट्रीम को बनाया है मैं एक नेम स्पेस भी यूज़ कर रही हूँ और इंट मेन में मैंने एक सी आउट हलो वर्ल्ड लिखा है तो यहाँ पर हम एक अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं और लिखते हैं सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग लैंग्वेज हमें ये लाइन आउटपुट विंडो पे प्रिंट करनी है तो ऑल दैट आई है अपने कंपाइलर जो मेरा सिस्टम एडिटर है उस पर रन करना है आप देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है और हमारी एक्सटेंशन जो बनी है ये डॉट सी पी पी फाइल है आप कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया एक्लिप्स है विजुअल स्टूडियो है उसकी इंस्टॉलेशन कीजिए अपने सिस्टम पे और अपने जो सी प्लस प्लस का कोड है बेसिक कोड बनाइए इस कोड को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है और उसके बाद हम लोग आपको कुछ छोटी सी एक असाइनमेंट देंगे जो आप इस प्रोग्राम के ट्यूटोरियल को समझ के बना सकते हैं ये हमारी एक हेडर फाइल है जैसे हमने डिस्कस किया ये ज़रूरी है बिकॉज सी आउट हम इसके बिना यूज़ नहीं कर पाएंगे हमें नहीं पता सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि ये सी आउट कहाँ है ये सी आउट की डेफिनेशन कहाँ है आईओ स्ट्रीम में है तो सी आउट के पीछे का कोड सी आउट इट्स नो मैजिक ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है कि सी आउट ने अपने आप यहाँ से कोड उठाया जो भी हमने लाइन लिखी उसे यहाँ पे डाल दिया नहीं इसके पीछे एक लॉजिक है जो लॉजिक सी आउट के अंदर लिखा हुआ है और वो सी आउट कहाँ पे है आईओ स्ट्रीम में तो यहाँ पे हमने एक आईओ स्ट्रीम नाम से हेडर फाइल बनाया ये हमें कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर रहा है बता रहा है कि हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम शुरू हो रहा है इस मेन मेथड के अंदर हमने एक कमांड यूज़ किया है सी आउट सी आउट का मतलब कि ये आपको आउटपुट देगा जो भी आप डबल कोट्स के अंदर देंगे उसको एज़ इट इज़ उठाकर प्रिंट करेगा और फाइनली रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि आप ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ये सिर्फ जीरो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो प्लीज़ ये प्रोग्राम एटलीस्ट ये प्रोग्राम बिल्कुल जल्दी से आप मेरे साथ बनाइए और इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ उस असाइनमेंट में आपको C प्लस प्लस में एक इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें आपका वन टू थ्री फोर फाइव एक लेडर फॉर्मेट में प्रिंट हो तो इसके लिए एक छोटा सा हिंट है क्योंकि आपको मल्टीपल आउटपुट्स प्रिंट करने हैं तो आप मल्टीपल सी आउट यूज़ कर सकते हैं ये एक सिंपलेस्ट वे है अगेन अगर आपके पास और तरीका है वाई नॉट यू कैन यूज़ इट और ये चीज़ याद रखेंगे इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कि इन डबल कोड्स के अंदर आप जो भी देते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है तो अगर आपने कुछ स्पेसिस के बाद भी टू दिया तो वो स्पेसिस भी काउंट होंगी अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको इसका आंसर दूंगी करके दिखाऊंगी बट उससे पहले आप अपना जोर लगाइए और इसे देखिए कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने C++ की एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन ली है हमने समझा है कि ये लैंग्वेज क्यों बनाई गई किसने बनाई इसके क्या फीचर्स हैं और हमने एक अपना फर्स्ट प्रोग्राम C++ का रेडी किया है मेरे साथ बने रहिए आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी एक्साइटिंग स्टफ C++ के साथ करने वाले हैं कीप प्रैक्टिसिंग C++ गुड बाय